हरे कृष्णा, मैं हूँ प्रीति एंड मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज अलग तरह से ग्रीटिंग हो रही है क्योंकि हम बहुत ही अलग जगह पे भी आए हुए हैं। हम लोग आए हुए हैं वेस्ट वर्जीनिया में न्यू वृंदावन जगह पे, जिसे अमेरिका का ताजमहल भी कहा जाता है या फिर पैलेस ऑफ गोल्ड। और ये सच में ही बहुत सुंदर जगह है। एक सेक्लूडेड से एरिया में इन्होंने काफ़ी बड़ी जगह पर यह बनाया हुआ है। असी ये मोरों की आवाज आ रही है। Look, look, hi Morris, what is it? What is it? Why isn't that scaring you away? मंदिर जो है ये लेट 1960s में इस्टेब्लिश हुआ है। जो सबसे पहले यहाँ के गुरु थे वो प्रभुपदा नाम था उनका, और इसीलिए इसे यहाँ पे प्रभुपदास प्लेस भी कहते हैं। इतनी सुंदर जगह है और उस पे आपको एक मोर परफॉर्मेंस करता दिख जाए और चाहिए क्या, इतना अच्छा डांस कर रहा है वो। लेट मी शो यू सी। और आरव को फुल मजे आ रहे हैं देखते हुए, और ये लगातार करे ही जा रहा है इतनी देर से। इतना क्लोज मैन तो पहले कभी नहीं आई हूँ। आरव, सामने, हाउ डू यू लाइक द कलर्स? गुड, इट कंप्लीटली फॉल्स व्हेन यू कैन ग्रैब इट। या आई होप इट डज। टू ऑफ देम ऑलरेडी फेल व्हेन आई टुक देम। दे डिड। आरती कर रहा है। लोटस पॉड है। तो ये पूरा मैप है यहाँ पे। रोज गार्डन, पैलेस ऑफ गोल्ड, लोटस पॉन्ड। अच्छा यहाँ पे फिर गौशाला भी है। ये पूरा इन्होंने लॉज बनाया हुआ है रहने के लिए। पीकॉक हाउस। अच्छा ये स्वान बोट हाउस जो शाम को अगर वेदर अच्छा हुआ तो ये यहाँ पे होती है। लाइट फेस्टिवल। हाँ क्या काउस भी तो देखनी है आपको। काउस यहाँ पे देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। फाइव डेकेड्स ऑफ न्यू वृंदावन, तो इसे पांच दशक, फाइव डेकेड्स हो गए हैं खुले हुए। और ये यहाँ पूरी इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि किस किस साल में क्या क्या हुआ। Yeah, I was just reading the history of the temple. If you want some peacock feathers, there's some are in there. अरे उड़ीसा एक स्टेट है इंडिया में, और वहाँ पे ना लॉर्ड जगन्नाथ होर्स कैरेज होते हैं की उनकी रथ यात्रा होती है। देखो व्हील्स है इसमें, सो इट्स अ चैरियट पुल्ड बाय पीपल। इट्स अ चैरियट। यहाँ पे श्रीमद् भगवत गीता भी मिल रही है, इंग्लिश वर्जन $251 में। अरे इनके फाउंडर हैं। यहाँ इतनी सुंदर सुंदर चीजें मिल रही हैं।
धूप पत्ती से लेके ज्वेलरी मिल रही है और चूड़ियां और यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे हैं, इंडियन ड्रेसेस और पायल भी मिल रही है और घी। बहुत ही तरीके से सब रखा हुआ है। फैदर लेना है आपको, एक अच्छा सा दे लो। They all are the same. Yeah, I mean whichever you like. Is this one good? Yep. Keep it here. It's too big. Oh, then keep it in your hand. तो एक बहुत ही अच्छी बात जानने को मिली कि हमें घर में भगवद गीता क्यों रखनी चाहिए। हरे कृष्ण। भगवद गीता है एक हमारा लाइफ है पूरा। इसमें जैसे फर्स्ट 6 चैप्टर है कर्मों के बारे में बताया गया, सेकंड 6 सब चैप्टर है ज्ञान के बारे में और लास्ट 6 चैप्टर भक्ति के बारे में है। अर्जुन को सारे चीज पता था, भगवान का क्वेश्चन का आंसर सारे पता था, लेकिन अर्जुन क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे लिए, हमको पता नहीं इसका आंसर और क्वेश्चन क्या करना है वो भी हमको पता नहीं। तो भगवान अर्जुन को जो भगवद गीता का ज्ञान दिया है वो हमारे लिए दिया है, इसलिए हर किसी का घर पे एक भगवद गीता रखना चाहिए। कोई भी पढ़ेगा इसका लाइफ पूरा सक्सेस हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आरश कैसे बजा रहे दिखाना। विसल थोड़ी ऐसे 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 कल करना अभी तो घर पे। तो ये सुन के पीकॉक आ जाएंगे। मोर की आवाजें आ रही हैं। वहां पे उन्होंने योगा शाला बनाई हुई है। आज का ना वेदर भी बहुत मस्त हुआ हुआ है, बारिश का है थोड़ा सा, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। अगर शाम को यहाँ पे बारिश नहीं होगी तो यहाँ की जो गौशाला है वहाँ भी जा सकते हैं। और एक इनका फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स या फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, स्वान फेस्टिवल, वो भी इवनिंग में ऑर्गेनाइज करते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर, अगर बारिश नहीं होगी तो फिर वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और उससे पहले हम एक बार फिर से बिल्कुल मोर का डांस देख लेते हैं, वाइट मोर का डांस। तो 3 दिन की अभी छुट्टियां थी, मास्क हटाने का जो मैंडेट आया है उसके बाद ये पहली US में मेजर हॉलिडे लॉन्ग वीकेंड आया है, तो काफी लोग बाहर निकले हुए हैं। आई एम सो ग्लैड कि हमने यहाँ पे आने का प्लान किया, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है नेचर के बीच आके। एक तू भी मोर है। I'm a fake human. Fake human और fake मोर। Fake मोर। काफी फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और जो है वेडिंग्स के लिए भी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं कि अपनी शादी यहाँ पे कराने के लिए। यहाँ पे ट्रेल्स के नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाली है भगवद गीता ट्रेल, फिर उधर की साइड ओल्ड वृंदावन। सो नाम भी इन्होंने पूरे ऐसे अच्छे से रखे हुए हैं, जगह से रिलेटेड धार्मिक। In rare case, peacocks are born without any pigment at all. These albino peacocks are entirely white, but their feather structures remain the same. You can even see their eye spots. Keep an eye out for any of our albino peacocks. Yeah, we did spot quite a few. We did see one. No, there are quite a few. Okay, so this is a life-size egg. This is how big a peacock egg is. So a little bigger than chicken egg. And this is them. Then they hatch. And then they hatch. They're called pea chicks. And peahens and peacocks.
See, peahens don't have the feathers, uh-huh. the long feathers. But they do have the crown. Uh-huh. We haven't seen any peahens today, though. We only saw peacocks. And we didn't see the peacocks too, right? Yeah. Maybe they are. Maybe हाँ ये थोड़ा सा सुंदरता में कमी कर देते हैं ना ये लगा ऐसे करके तो ये शाम को अगर अच्छा रहा ना वेदर तो ये फिर अरे ये बोट चलेगी फिर पानी में Yeah, so let's hope it doesn't rain tonight. यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है इन्होंने गोविंदा और पूरा फुल है और यहाँ पे मेन्यू में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है ये थाली मैंने ली है लेकिन जो भी है मजेदार है इंडियन खाने की तो खुशबू से ही खाने का मन करने लगता है तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कांट वेट एनी मोर आरव आ गया आरव आपकी इडली का भी कॉल नहीं आया कौन सा नंबर है आपका इडली अभी आ रही है हाउ इज द सांभर सांभर लुक्स गुड है दोबारा से क्या करेगा मंदिर में जाके Look at him more. We can definitely do that, but let's go look at the cows. अरे दोपहर के टाइम पे भी पूरे काफी लोग आ रहे हैं अब तो भीड़ बढ़ गई है यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि कोई शादी भी है गार्डन ऑफ ग्रेटिट्यूड यहाँ पे फूल लगाए हुए लेकिन अभी कोई खिले नहीं है Look at me, I have a red. This is my grandson's face. काव बांध को हिंदी में क्या कहते हैं आरव गाय तो काव होती है गौशाला देखो ये लिखा हुआ बांध जो होता है ना बांध काव का जो बांध होता है उसको हिंदी में कहते हैं गौ गौ मतलब गाय से जो बना है गौ शाला शाला मीन्स प्लेस टू स्टे गौशाला आया ये मोर की आवाज जो है ना दिल खुश कर रही है बचपन में ना जब हम आई एम नॉट पेपा पिग और जॉर्ज आई एम नॉट गोना जंप इन द मडी पडल मॉमी पिग लव्स टू जंप टू सो आई एम मॉमी पिग एंड हु आर यू जॉर्ज काव प्रोटेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है मशाला गार्डन्स पॉन्ड्स और मंदिर सारी जगह जो इन्होंने ये 150 एकर्स एरिया में पूरी बनाई हुई है व्हाट आर इट स्टिंक्स इट्स ओके तो अभी यहाँ गाय कोई नहीं है क्योंकि इन्होंने इस टाइम पे सारी खोल के रखी हुई होती हैं वो उनकी जगह बनी हुई है वहां घूमती रहती है आई थिंक पीछे है काव हाँ और शाम को ये यहाँ वापस आती हैं इनके नाम भी रखे हुए उषा सुभद्रा ये क्या है ललिता श्रिया गौरंगी और सीता और एक जयश्री राइट देयर सिटिंग ओवर देयर आउटसाइड आई सी अब आई डोंट नो वो ललिता है या जयश्री है या सुभद्रा है हैं तीनों दोस्त बीच वाली मुझे सुभद्रा जैसी लग रही है तुम्हें कैसे पता सुभद्रा है सुभद्रा ऐसी होती है तुम कितनी सुभद्रा को जानते हो लेट्स नेम दैट वन इन द मिडल नो बॉय नो बॉय क्या नाम है उनके आरव आपको पता है यहाँ की जो पहली गाय है उसका नाम काली था अच्छा ये मैंने अच्छा है जो 1968 में जो ये काव लेके आए थे इंडिया से okay. उसका नाम काली था दैट वाज द फर्स्ट काव
इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है पैलेस ऑफ गोल्ड वाला, वो मैं इसके जस्ट बाद पोस्ट कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग अप सून, सो स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा।